अब हमारे साथ मौजूद है वो गेस्ट यासिर हमारे साथ हैं और अब हमसे बात करेंगे टेलीनॉर टॉक शो की फीडबैक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासिर जरा बताइए फीडबैक के बारे में, क्या कहेंगे टेलीनॉर टॉक शो आइटम जो ये हो रहा है और बड़े जोर शोर से हो रहा है, क्या कहेंगे? ये नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं स्पेशली बच्चों को साथ लेके आ रहे हैं, इंटरनेट मोबाइल इसका पॉजिटिव वे बता रहे हैं, हम इसको कैसे यूज़ करना है और मतलब के काफ़ी लोग आ रहे हैं हमारे पास और इसकी जो गुलबर्ग में मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर इसकी हमने वर्कशॉप लगाई है अवेयरनेस के लिए। जी वो बहुत पॉजिटिव है कि ये है कि साथ साथ बच्चों को बताया भी जा रहा है ना कि मोबाइल इंटरनेट का पॉजिटिव यूज़ जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, वरना देखे ना नॉर्मली होता ही था कि हम लोग के दौर में भी और अभी तक हम क्या करते थे कि किताबें हमने रखी हुई होती थी और पेज नंबर हम कहते थे 46, 28 या फिर 84 पेज नंबर पर जो है फ़लानी फ़लानी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, वहाँ से डाटा उठाते हैं। अब अगर आप बात करते हैं डिक्शनरी की, अब अगर आप बात करते हैं रास्ते में कहीं आप गाड़ी में जा रहे हैं रास्ता भूल गए आपने भाई कहीं पे भी जो है मोबाइल इंटरनेट का फ़ौरन फ़ायदा उठाया, गूगल पे गए और जाके आपने वो जो रास्ता है मैप का पूरा समझ लिया कि इधर से उधर इधर से उधर मैंने इधर जाना है, इवन आउट ऑफ कंट्री आप जाएँ यहाँ पर रहें, नॉट फॉर किड्स ओनली, ये बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करने वाली चीज़ है दैट इफ़ यू नो कि मोबाइल इंटरनेट का पॉजिटिव यूज़ आप किस तरह कर सकते हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि तालीम के हिसाब से अगर मैं आईटी से रिलेटेड बात करी हूँ, आपका भी ताल्लुक इसी चीज़ से है, तो हम और बाहर के जो ममालिक के और बच्चे हैं तो हमारे बच्चों में और उन बच्चों में अभी कितना एक डिफरेंस है, हमें कितना टाइम लगेगा उन तक पहुँचने में या फिर? और डिफरेंट तो है क्योंकि इंडिया हमारे से काफ़ी आगे जा चुका है आईटी, ठीक है, और पाकिस्तान हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह उस लेवल पे नहीं आएंगे लेकिन कुछ अर्से तक उनको हम बीट कर सकेंगे इंशाल्लाह। और ये भी है ना कि इस तरह से भी बीट कर सकते हैं जो बच्चे बाहर से पढ़कर आएंगे ऑलरेडी अभी ओपरा लैब्स यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाएंगे जो बच्चे, और जब वापस आएंगे तो आप देखिए ना यहाँ पर कितने लोगों को ट्रेन करेंगे, कितने सारे लोग जो हैं बच्चे जो हैं वो आगे ट्रेंड होंगे, उनसे सीखेंगे, उनको टीच किया जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छी काविश है जिससे फिर ये है कि और भी एक के बाद दो, दो के बाद तीन और ना कि छः बच्चे पढ़कर जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो कितने लोगों को सिखाएंगे, हजारों लाखों लोग होंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल, और उससे फ़ायदा होगा, ठीक है, जो लोग जो बच्चे सीखना चाहते हैं जो पढ़ के बाहर से आएंगे, ठीक है, उन लोगों को मतलब कि इतना होगा कि हम लोग मतलब कि किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कंप्यूटर क्लासेस देना चाहते हैं, वो नहीं दे रहे, ठीक है, और हम लोग इस पर भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये भी करेंगे हम। बच्चों में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होना और उनको पता होना, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए ये इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बेस्ट हैं, बेस्ट वे है? बिल्कुल बिल्कुल ये बेस्ट है। स्कूल्स में भी जैसे वर्कशॉप्स लगा रहे हैं टेलीनॉर टॉक शो और सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं साथ मिलके, तो दिस इज द बेस्ट वे कि बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाए साथ साथ और उनको बूम भी मिले। बिल्कुल राइट, थैंक यू सो मच, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ टेलीनॉर टॉक शो की बातों को मज़ीद एलैबोरेट किया और लोगों तक आसानी से ये बात समझने का मौका दिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे टेलीनॉर टॉक शो की, जो बच्चे चैंपियन होंगे वो जाएंगे ओपरा लैब्स यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए और उसके बाद वो लकी बच्चे जब वापस आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग देंगे, काफ़ी लोगों को बताएंगे और साथ साथ हमें भी होगी अवेयरनेस क्योंकि जब वो बच्चे सीखेंगे तो आईटी हमारे मुल्क में बूम करेगा। तो थैंक यू टेलीनॉर टॉक शो आपके इस आईटीएम कॉम्पिटिशन के लिए। अब वक्त हुआ चाहता है कि मैं अपने प्रोग्राम के बारे में बात करूं, दोबारा वो सवाल पूछूं जो सवाल रह गया है, जो जो लोग नहीं सुन पाए उनके सामने रिपीट करना चाहूंगी कि बताइए हम्माद पॉजिटिव कैरेक्टर में आएंगे, एक सवाल, दूसरा क्या तारिक दूसरी शादी करेंगे, क्या तारिक के लिए कोई दूसरा कैरेक्टर आना चाहिए, फजर की बहन आनी चाहिए, ये सारी सवाल आप फेसबुक पे मेरे फ़ैन पेज पे दे सकते हैं, सुबह की फिज़ा फ़ैन पेज फेसबुक पे जाके लाइक कीजिए और वहाँ पे कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हम कल के एपिसोड के लिए आगे क्या करें। आप देख रहे हैं हमारे साथ ससुराल गेंदा फूल और मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि आपसे मुलाकात करूँगी कल दोबारा एक नई एपिसोड के साथ।
खुदा हाफिज, जीतिए और जीतते रहिए।